All right, once again, Team Rise ke liye zordar taliyan. Woo! All right, first question, Shahrukh. Hi, Rayman from Red FM. बहुत ही amazing film है, कमाल की film है, धमाल मचा दिया. I mean, आप दोनों की chemistry, मतलब नवाज और आपकी chemistry, एक number. मतलब नहले पे दहले पे ये वाला situation था. It was amazing. आप ये बताइए कि आपके दिमाग में मतलब after the release क्या चल रहा है? What is your state of mind right now? First of all, thank you everyone for being here. और एक ही बात चल रही है क्योंकि राहुल और रितेश ने जब ये फिल्म सोची थी सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल सो दो ढाई साल लग गए एंड आई एम वेरी हैप्पी इट्स रिलीज वेल एवरीबडी इज लाइकिंग इट एंड वी जस्ट हैप्पी दैट इज टर्न्ड आउट गुड एंड या वी जस्ट हैप्पी एक्चुअली व्हाट एल्स टू से फैंटास्टिक सो नवाज भाई आपने इस मूवी में कमाल की एंट्री मारी किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी एंट्री ऐसी होगी अब पब्लिक को यहाँ पर वो डांस एक बार दिखाएंगे प्लीज इतना तो बनता है कि नहीं इतना तो बनता है प्लीज हाँ तो कैन आई हैव द म्यूजिक प्लीज कैन आई हैव सम म्यूजिक Cross India mein pahunchegi worldwide 200 crores what do you think about the whole situation right now about the film mere ko numbers ke bare mein kuch nahi malum all right but happy very happy that everybody is liking it okay and overwhelming response yeah from all over yeah so really happy for that. I think it's a perfect combination of audience love and box office number I think wo rarely hota hai right and we are happy with a film like this jisme hamesha hum log kehte rahe ki there's a lot of substance heart hai and I think dono ka milna is the ideal combination right. so it's not about what the number is but it's always happy to know that these many more people have enjoyed it okay fantastic shahrukh dhande ka tingana koi insaan jab dhanda karta hai to bahut zyada khush ho jata hai you know aur is film mein bahut acche se dikhaya hai isko so what do you make out of dhande ka tingana धंधे का धिंगाना का मतलब एक्चुअली धंधे का अटैक जो हमारा यहाँ पे सिंधी पापड़ नहीं है हमने इसे सिखाए बिकॉज ये हमारा बिजनेस मैन है हम लोग को बिजनेस वगैरह नहीं आता है हमने इसको फिल्म बना के दे दी उसके बाद सारा जो बिजनेस है इसने आके बढ़ाया शाहरुख इज अ वेरी बिग लायर देयर इज नोबडी हु कैन डू बिजनेस बेटर देन हिम अच्छा ठीक है हाँ एक्टिंग नहीं आती बिजनेस ही आता हमको हाँ और बट यू नो द होल आइडिया वॉज कि वेन यू डू बिजनेस एटलीस्ट इन दिस फिल्म द आइडिया इज कि वो करो जो धंधे के लिए सही होता है और किसी को तकलीफ ना पहुंचाए और आई थिंक जिंदगी में भी ऐसा होता है फिल्म में भी ऐसा है एंड इट्स क्वाइट अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल दैट यार आई मीन इट्स अ स्मॉल थॉट बट आई थिंक इट्स हैज अ वेरी बिग फीलिंग एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शो विद धंधे का धिंगाना सनी दिस क्वेश्चन इज टू यू बिकॉज देयर इज अ स्टोरी जहां पर आपको कॉल जब आया व्हेन यू गॉट अ कॉल एंड यू वर नॉट यू एक्चुअली थॉट कि अरे डिड दे कॉल द राइट सनी लियोनी डिड दे कॉल द राइट सनी डिड आई एम आई गेटिंग अ डांस नंबर इन दिस फिल्म कैन यू टेल अस दैट श्योर एक्चुअली एक्सएल कॉल्ड डैनियल माय हस्बैंड एंड सेड वी वांट सनी टू बी इन फिल्म एंड मुझे मालूम था कि कुछ अच्छा हो रहा है बिकॉज़ डैनियल्स फेस ही हैड दिस ह्यूज स्माइल एंड बट आई जस्ट डिडंट नो व्हाट दैट वाज सो व्हेन ही गॉट ऑफ द फोन ही सेड शाहरुख खान वांट्स यू टू बी इन अ सॉन्ग इन हिज फिल्म एंड आई सेड व्हाट डिड ही कॉल मी This Sunny, you weren't. Does Shahrukh know that they've called me to do a song? And you know, I was in disbelief for a very long time because you know you only dream. Every actor, every actress wishes for. Okay, too much like praise. This. We just want to say we love her. She's fantastic. And kya wo dunia pital ki baby doll mein sone ki hum fan hai. So yeah, we wanted you to be. All of us wanted you to be in the song, and we all love the fact that you are part of the song. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैं उस सॉन्ग में बड़ा सीरियस था मैं जो है परेशान करने जा रहा था किसी और को एंड ऑल दिस वाइल मेरे को लग रहा था छोड़ू मैं लैला डांस करना यार झगड़ा वगड़ा बाद में करेंगे दुश्मनी बाद में निकालेंगे पहले थोड़ा डांस कर लूँ सनी के साथ में यार बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्म थैंक यू फॉर हैविंग लास्ट क्वेश्चन टू नवाज भाई आपको कन्विंस कैसे किया राहुल भाई ने कि आपकी एंट्री इस गाने में होने वाली है मतलब कन्विंस कैसे हुआ मुझे नहीं पता था वो ये गाना भी होगा उसमें अगर मुझे पहले बता देते तो मैंने तो हालांकि काफी प्रैक्टिस करवाई उन्होंने तब जाके एक आध स्टेप हो पाया बहुत बढ़िया हुआ जोरदार तालियां हो जाए ओके नाउ यू कैन आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू द टीम हियर ऑलराइट इट्स ओपन टू मीडिया इंटरेक्शन
मोहन सर प्लीज कम है ना यार, मोहन सर कम. हम सुबह तक शूटिंग कर रहे थे, सुबह 7:30 बजे तक, सो मोहन सर उठे नहीं अभी तक. ही इज द डीओपी ऑफ द फिल्म. हाँ सॉरी, क्या पूछ रहे तू यार? हाँ शाह, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन. मेरा सवाल था कि पोस्टर पे लिखा है कि अपना टाइम शुरू, ये टाइम कब से कब तक का है, या मतलब अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है टाइम की? यार ये फिल्म का डायलॉग है, ऐसे हम इतने पॉम्पस नहीं है. हम सब इस वक्त जो है रईस की तरह बिहेव कर रहे हैं, अदरवाइज हम बहुत हम्बल, सिंपल, डाउन टू अर्थ, सीरियस फिल्म मेकर हैं. तो हम तो अपनी नीश फिल्म बना रहे थे, लेकिन इट्स रियली नाइस. वी रियली थॉट दैट द फिल्म विल बी लाइक बाय पीपल. और सबसे बड़ी बात वही होती है कि ऑडियंस को पसंद आए, अच्छी लगे, और उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस और गर्थ हो. सो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ गुड मिक्स. सो इट्स इट जस्ट फील्स वेरी वेरी नाइस यार. वन फील्स वेरी हैप्पी रिलीज हो गई. और हमारी पिक्चर क्या एक साल तक पड़ी हुई थी, डिले भी हो गई, तो बहुत तकलीफें आती रहीं. तकलीफ ऐसी कोई नहीं बड़ी, बट इशूज़ की ख़त्म नहीं हुई, अभी डालनी है, ये करना है, वो करना है. सो वेरी हैप्पी कि सब कुछ हो गया और अच्छा हो गया. थैंक यू. जैसे गुस्से से क्यों पूछ रहा तू? तेरे को मालूम भी है कलेक्शन क्या है? ऐसे क्यों बता मुझे एग्जैक्ट फिगर तू बता, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, तेरे को ही मालूम होगा. आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म यार. कलेक्शन वलेक्शन तो यार क्या होता है, वो तो चलता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि जितनी आप साइट्स देखेंगे उतनी कलेक्शंस आपको दिखाई देंगे वहाँ पे. हर किसी के पास अलग अलग है, इसलिए मैं तेरी भी डिटेल वाली पूछना चाह रहा था, पता चल जाता तो किस तरफ से आए. बट फिल्म अच्छी है और ये सब आता रहेगा. जब लोग जाते हैं तो फिर धंधा होता ही रहता है. मैं पहनने वाला था कौन माइकल लाल है, कौन माइकल लाल है, कौन माइकल लाल है, फिर मेरी टीम ने कहा ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसलिए शेरों का जमाना पहन लिया. शाहरुख ऑन योर राइट. एक्चुअली मेरा फेवरेट अलग वही है, मुझे राहुल ने याद दिलाया कि मोहल्ला बचाते बचाते शहर जला दिया. I think that is the nicest dialogue. Shahrukh, hi on your right. यहाँ पर पीछे कैमरे के पास, यहाँ आपके पीछे. ये सुमित है? नहीं नहीं मैं. अच्छा मेरे को लगा सुमित है, sorry. शाहरुख, जैसा कि हमने देखा कि फिल्म में हमने देखा कि आपसे लोग इतना प्यार करते हैं कि आपको आपके एरिया का MLA भी बनाते हैं, लेकिन और रियल लाइफ में अगर हम देखें कि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि अभी अभी जैसा कि पुणे में हमने देखा, तो रियल लाइफ में कभी इस तरह से पॉलिटिशियन या लीडरशिप की कमान आप संभालेंगे या हम आपको देखेंगे इस तरह से? तेरा कौन सा एरिया, कहाँ रहता है तू? मैं तो कांदीवली में रहता हूँ. कांदीवली से चूज करना, मैं कांदीवली से खड़ा हूँ. तुम्हें लिए कैंपेन करना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा. मैं ये करता हूँ यार, वो थोड़ा ना करूँगा, कितना काम करता हूँ वैसे ही, मैं वो भी करने लगूंगा तो फिर क्या जान ही निकल जाएगी मेरी. तो मुझे वो काम ना आता है, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं उसके साथ कभी जुड़ना चाहता हूँ. लास्ट टाइम है, मुझसे मत पूछना, मैं हीरो हूँ यार. कभी कभी डॉक्टर बोल रहा है, कोई बिजनेस मैन बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, कोई एक्टर नहीं बोलता, मैं एक्टर हूँ. और ये बात को तुम मान लो फाइनली, ओके? 25 साल हो गए ट्राई करते करते. I'm sure everybody's mother said things, yaar. My mother said, ऐसी कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ. तो मेरी माँ बोलती थी पाँव तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, तो चादर को थोड़ा बड़ा करते रहो, पैरों को मत सुकड़ाओ. तो मेरी माँ ने ये सिखाया था मुझे. बाद में करते हैं बात यार. One last question, please. Thank you. आई थिंक हर फिल्म का अपना एक बिजनेस होता है यार. सॉरी मैं आपको यार बोल रहा हूँ, नहीं आप हैं, बट आई जस्ट फील हर फिल्म का अपना एक बिजनेस होता है, अपनी एक जगह होती है. टू स्टार्ट कंपेयरिंग एंड वी ऑल हैड दोज फिल्म्स, वी हैड फिल्म्स विच आर डिफरेंट एंड नीश. तो हर फिल्म का एक ही मापदंड से मेजर करना अजीब सा लगता है. बट हैविंग सेड दैट, ऑफकोर्स इसका अपना एक लिमिटेड बिजनेस होगा, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी आर लिटिल बियॉन्ड दैट ऑल्सो. हमको जितना लगता था उससे ज़्यादा है, जितना हमारी उम्मीद थी उससे अच्छा है, बेहतर है बिजनेस वाइज, कलेक्शन फिगर्स नॉट विद स्टैंडिंग. बट इट्स नाइस टू नो कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल.
अभी उसको मैं कंपेयर करने लगूं तो देन यू नो देन स्काई इज द लिमिट एंड व्हाई शुड वी कंपेयर विद ओनली द लास्ट बिग हिट लाइक दंगल और सुल्तान विच आर मच मच ह्यूजर हिट्स देन परहैप्स दिस फिल्म कैन एवर बी एंड वी नो दैट सो दैट कंपैरिजन फ्रॉम आउटसाइड वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड वी नो द ट्रूथ कि जो इसकी एक लिमिट है वहां तक ये जाएगी और उतना अगर हो गया तो हम बहुत खुश होंगे वन लास्ट क्वेश्चन थैंक यू Many people have not seen the film here. नहीं ऐसा 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 कोई भी नहीं बहुत वायरल हो गया तो आपने मतलब पायरेट साइट पे देखा मुझे ऑफ कोर्स मारना मतलब थोड़ा बुरा लगा और खास तौर से तब बुरा नहीं लग रहा था बिल्कुल शक्ल पे तो नहीं लग रहा था बिल्कुल मैं एक बार बोला भी एक शॉट में कि नवाज भाई थोड़ा सा ऐसा दुखी हो जाओ नहीं नहीं मैं लेकिन मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि वो शाहरुख साहब उस वक्त पे एक दूसरे टेंजेंट पे चले जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था मेरे लिए तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा और देखूं ये और देखूं उसके बाद मारूं लेकिन थोड़ा पहले मार दिया मैंने सबको मालूम था कि दिस सॉन्ग वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज़ इट्स अ कल्ट हिट But I feel I got lucky because they changed the song a little bit. They made it more upbeat. They made this grand set. They created such amazing moments between Shah Rukh and I. And I was just so happy to shoot it. You never know what the reaction is going to be. And those first few videos, jab maine dekha tha, bahut hi emotional thi. Because you only hope and pray that your fans and people who watch you are going to enjoy the film. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Before we get down, need to take this picture for Twitter. But please join us inside for dinner and today's a dry day so there's no drinking of course. But please do join us, have some water and some food. Please, everyone, yeah. Ab ho gaya na, ab shooting karte ho gaya. Bahut acha ho gaya, abhi andar aa jao bas. Music lagayenge aur doosri picture ka bhi music lagayenge, sirf apne nahi lagayenge. Come, come.